सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। ये बात उन्होंने सऊदी अरब के दौरे पर आए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से जो एक संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है, इसको अहम बताया है और जम्मू और कश्मीर समेत विवाद के तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत बताई गई है इस संयुक्त बयान में। और इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता जो है वो बनी रहेगी। फरवरी में चुनाव जीतकर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये पहला विदेशी दौरा है और यहां तक कि जब शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सभी जो नेता हैं, सभी जो लोग हैं उनको साथ आने की जरूरत है और कश्मीर पर और कश्मीर के साथ साथ फिलिस्तीन की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पास करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान के हर नेता की तरह कश्मीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को लेकर अपना राग हमेशा छेड़ता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो इसे उठाता रहा है। भारत हमेशा से पाकिस्तान के दावों को और बढ़ चढ़ कर की गई बातों का खंडन करता रहा है, माकूल जवाब देता रहा है। यूएन के प्लेटफॉर्म पे भी हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर का राग छेड़ता है तो भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो दी जाती है। पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बात को भारत जो है वो दोहराता रहा है। सऊदी अरब जिससे कि पाकिस्तान के बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं, उसकी तरफ से पाकिस्तान के पीएम को भारत से बातचीत करने की सलाह जो है वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये बताता है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संवेदनशीलता को समझता है वो इससे जाहिर होता है। हाल के वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच जो संबंध है वो काफी गहरे हुए हैं और ये जो बयान है उसका भी एक प्रतीक है। भारत कश्मीर को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने का पक्ष धर रहा है कश्मीर मुद्दे को और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात जो है वो नहीं मानता, उसकी कोई जगह नहीं मानता वो। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी यही नसीहत दी है क्योंकि पाकिस्तान बार बार और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उछालता रहा है इस मुद्दे को। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तब सऊदी अरब ने चिंता तो जरूर जताई थी लेकिन इसकी किसी तरह से कोई निंदा नहीं की थी और ये भी कहा था कि भारत का जो आंतरिक मामला है वो ये आंतरिक मामला है और भारत और सऊदी अरब के बीच जो है वो व्यापारिक रिश्ते भी काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। 2022-23 में तकरीबन 52 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उससे अधिक का जो व्यापार है वो हुआ है। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब भारत का जो है भारत जो है वो सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब में करीब 25 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं जिनका वहां बड़ा योगदान है। पीएम मोदी और पीएम सलमान के बीच कई मौकों पर मुलाकात होती रही है। G20 के दौरान पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब के पीएम जो हैं वो दूसरी बार भारत के दौरे पर आए थे और तब द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया की स्थिरता के लिए भारत और सऊदी अरब की जो साझेदारी है वो काफी अहम है। जो भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक जिसका खाका तैयार किया गया है उसमें सऊदी अरब का भी एक बड़ा अहम किरदार है। पीएम मोदी 2019 में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और तब पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और सऊदी अरब जो है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान का चेहरा सामने आता है और जो कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान जो है प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है उससे भारत पीड़ित रहा है। भारत का पक्ष साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरिफायबल जो कार्रवाई है वो नहीं करता है, सबूतों के साथ कार्रवाई नहीं करता है, तब तक भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। सऊदी अरब की नसीहत के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़कर और जिसे वो नॉन स्टेट एक्टर्स की करतूत बताता है उससे अलग जाकर उस पर लगाम लगाकर भारत के साथ बातचीत को तैयार होगा। हालांकि पाकिस्तान की जो राजनीतिक चाल अब तक दिखती आई है उसको देखते हुए उसके चरित्र को देखते हुए ये दूर की कौड़ी लगती है लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने कहा है तो पाकिस्तान हो सकता है कि शायद कुछ सुनने को मजबूर हो।